ही टॉपिक है जो प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है अगर मॉडर्न एज से, तो उसमें गिने हुए 10-12 गवर्नर जनरल है या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। जैसे सबसे ज्यादा प्रश्न आपको बता दें कि लॉर्ड वेलेजली के बारे में प्रश्न आता है, ये सभी जानते हैं क्योंकि उसने सहायक संधि किया था। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट जरूरी हो जाता है क्लाइव, क्योंकि इन्होंने दृढ़ शासन किया था और साथ ही साथ इसी के समय में बक्सर का युद्ध भी हुआ और पलासी में भी इसने विजयश्री प्राप्त की थी। ठीक इसी ढंग से कॉर्नवालिस के बारे में आता है। सारे गवर्नर जनरल छात्रों को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत बच्चे देखे होंगे कुछ चूजी टाइप के हैं, जैसे अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है ना ABCDEFGHIJK, वैसे पढ़ना चाहते एकदम क्रम सह A to Z, वैसे पढ़ने से प्रतियोगिता निकालना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना चाहिए। उसके बाद आपको वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। ठीक इसी ढंग से लॉर्ड हेस्टिंग्स केवल एक था, इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है इसी ढंग से आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। फिर आपके डलहौजी के बारे में सीधे सीधे जो जरूरी मैं बता रहा हूं ये सब पहले जान लीजिए, डलहौजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तत्पश्चात आपको केनिंग के बारे में भी थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। फिर आपका लॉर्ड मेयो के बारे में जान लीजिए, लिटन के बारे में हल्का फुल्का जान लीजिए, रिपन के बारे में जान लीजिए, इसी ढंग से आपका डफरिन के बारे में जान लीजिए, ठीक इसी ढंग से कर्जन के बारे में जान लीजिए। उसके बाद आपको लॉर्ड रेडिंग भी जो है एक महत्वपूर्ण इसके समय में भी घटना घटी है, इनके बारे में भी जान लीजिए। थोड़ी सी आपको बता रहे हैं कि इरविन के समय में भी समझौता गांधी जी ने किया था, तो इरविन के बारे में भी जान लेना चाहिए। और उसके बाद सीधे माउंटबेटन के पास चले जाना चाहिए। ये जो है इतने गवर्नर जनरल या गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय, पहले ये जानना चाहिए छात्रों को। ये नहीं कि कहीं के कोई टॉपिक शुरू कर दे और यह क्रमशः रटे इसी में उलझ जाइएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी कम नहीं है। पहले IAS में प्रीलिम्स में ऑप्शनल विषय होता था, ठीक BPSC में UPPCS में मैक्सिमम स्टेट सर्विसेज के PT में, BPSC छोड़कर सब में एक ऑप्शनल विषय होता था PT में भी, उसके लिए बहुत डिटेल पढ़ने की आवश्यकता थी। अब जो है सारे गवर्नर जनरल के बारे में नहीं जानना है, लेकिन हाँ कंपटीशन चाहे आप IAS को कर देना चाहते हो तो आपको उसमें मेन तो लिखना है, अब एक विषय तो रखना है, या BPSC लिखते हैं तो एक विषय तो रखना है। तो ये एक इतिहास ऐसा विषय है जिससे कई फायदे हैं। पहला फायदा होता है कि GK GS में इससे मैक्सिमम एरिया 30-35% एरिया किसी भी कंपटीशन में कवर करता है इतिहास, और उस इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा कवर करता है, यानी अकेला किसी भी कंपटीशन में 10-15% क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। उसके बाद एंशियंट से रहता है, मेडिवल में आजकल मुगल और सुल्तान थोड़ा कम किया गया, हम लोग मुगल और सुल्तान को ही इतिहास समझते हैं, जी नहीं, उसे भक्ति आंदोलन था, ठीक इसी ढंग से सूफीवाद था, सामंतवाद का अंत था, सोशल रेवोल्यूशन था, इन सब चीजों को भी जानना जरूरी है, हस्तकरघा का विकास कैसे हुआ, ठीक इसी ढंग से इंटरनेशनल ट्रेड और नेशनल ट्रेड में किस प्रकार के डिफरेंस है मध्यकाल में, ये सब भी जानना जरूरी है। उन सब सोशल रेवोल्यूशन जब तक हम नहीं जानते हैं आपके मेडिवल एज का, मॉडर्न एज में भी केवल गवर्नर जनरल्स नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल है उसको जानना है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये जानना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इतने गवर्नर जनरल पहले आप अगर जान जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी कुछ कुछ रखने लगते हैं।
अब इतना जरूर जानिए कि उसका काल क्या है और कौन कौन इवेंट्स इन लोगों के समय में हुआ था। ये जीके जीएस के बेहतरीन तरीका। अब रही बात आपको, यदि आप इन चीजों को एक एक करके अगर पढ़ना चाहें आप, तो हमारी आज की जो टॉपिक है यह है आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब इसके समय में क्या क्या घटनाएं घटी थी, थोड़ा सा इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो कि मोटे तौर पर उन इवेंट्स को जान लीजिए कि क्या क्या हुआ था, क्रमशः भी जानना चाहिए। तो इसके समय में जो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी वह था आपका सती प्रथा का अंत। अब ध्यान रखेंगे इसमें ज्यादा कहानी में हम समय नहीं जाया करेंगे, सीधे सीधे धारा 17 के अंतर्गत अंत हुआ था। ठीक है, एक्स मतलब 10 होता है, भी मतलब 5 होता है, और ये दो को आई मतलब होता है एक एक संख्या, रोमन की ये अक्षर है, तो आपको पता होगा ये धारा 17 के अंतर्गत। कई बार धारा 17 को 17 भी लिख सकता है, लेकिन ज्यादातर वैसे ही दिखता है ऊपर वाला एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे। तो सती प्रथा का अंत किया गया। अब इसमें राजा राम मोहन राय कैसे हस्ताक्षर किए और बंगाल में किस तरीके से अंत हुआ ये पूछता है, तो ये जो है आपको सबसे पहले बंगाल में किया गया और पूरे भारत में 1830 में किया गया था, तो ये थोड़ा सा जान लेना है। उसके बाद दूसरी टॉपिक है कि जो राजस्व घाटा था उसको राजस्व मुनाफे में ये कैसे बदल दिया। तो जो मोबाइल कोर्ट बनाया था आपको कर्नवालिस ने, मोबाइल कोर्ट बनाया था कर्नवालिस ने 4, उसको क्या कर दिया इसने, रिजेक्ट कर दिया यानी बंद कर दिया। साथ ही इसके द्वारा तीसरी, अब ये खर्चा जो एक्स्ट्रा जाता था वो समाप्त हो गया, वो डिटेल हम करेंगे अभी आपको बृहद कक्षा में, यहाँ तो केवल वीडियो में हम लोग झलक दिखला जा वाली बात है जिससे बच्चे जाने कि भाई स्टडी पॉइंट किस तरीके से पढ़ाता है, लेकिन डिटेल जानेंगे आप तो डिटेल कक्षा के लिए वीडियो में पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं करा सकता, मैं क्या, कोई नहीं, जितने लोग ये सेल कर रहे हैं बेच रहे हैं ये केवल बच्चों को बैठे बैठे की इनकम का स्रोत है और कुछ नहीं है, उससे बच्चों को लाभ होने वाला नहीं जब तक एक एक कहानी आपके दिमाग में इसको डाल नहीं दिया जाए। तो ये मोबाइल कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। साथ ही उन्होंने जो मंदिर और मस्जिद को जमीन दी गई थी उन मंदिर मस्जिद के जमीन को उन्होंने क्या कर दिया, जो कर नहीं दे पाते थे उनको पहले रिजेक्ट किया, जिसको बोला जाता था मदद ए मास। ठीक है, इस मदद ए मास को उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद क्या किया कि भारतीय लोगों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। अब क्यों भारतीय लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, क्योंकि भारतीय लोग जो होते थे वो कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे, भारतीय लोगों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया, नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। अब इन सब चीजों से कोष में जो खर्च ज्यादा जा रहा था इन सब चीजों से वो क्या हो गई, पूरी की पूरी तरह खर्च घट गया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्च था। जितने भी जज घूमते थे वो जस्टिस कम करते थे, मनोरंजन ज्यादा करते थे, खाते पीते थे, मंदिर मस्जिद को जो पैसे दिए गए थे उससे मुल्ला और पुजारी मस्ती करते थे और जनता त्रस्त थी, मोक्ष के नाम पर आज भी ऐसा हो रहा है। भारतीय लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करने से सस्ते वेतन पर अधिकारी रहने लगे, इसलिए कोष पर जो भार था वो थोड़ा कम हो गया और नियुक्त करना प्रारंभ किया। इससे हुआ क्या कि पहले 2 करोड़ का घाटा लगता था, इस 2 करोड़ के घाटे को 1 करोड़ के मुनाफे में तब्दील कर दिया, ये ध्यान रखेंगे। अब 1 करोड़ के मुनाफे टोटल 3 करोड़ का बेनिफिट हुआ, बात समझिए, 2 करोड़ का कंपनी को घाटा लग रहा था, उस 2 करोड़ के घाटे को 1 करोड़ के मुनाफे में बदल दिया, यानी अपव्यय बहुत सा इसके समय में कम हुआ। आय के अन्य स्रोत भी इसमें विकसित किए, थोड़ा सा वो देखिए हमने क्या क्या किया था। तो उसके द्वारा कुर्ग और कछार, कहते हैं कि बहुत अच्छा था ऐसा नहीं है, उसने कुर्ग और कछार का जो इलाका था
उसको बहुत उपजाऊ था, गन्ना होता था, कुर और कछार को जो है अपने में मिला लिया, यानी कि हड़प लिया, या कह सकते हैं कि उसके द्वारा हड़प लिया गया, हड़प लिया गया। इघंटा पूछता है कब किया उसने, तो 1831 में किया, जिसको मोक्ष दिया, इसी इलाके को जो है मोक्ष देने का काम किया 1881 में लॉर्ड रिपन में। एग्जाम में आता भी है कि कुर्ग और कछार को जो मिला दिया था उसे मोक्ष देने का काम किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया। लॉर्ड रिपन ने किस क्षेत्र को मोक्ष दे दिया, तो फिर आ जाएगा कुर्ग और कछार को, दक्षिण भारत का इलाका है, नकदी फसल गन्ना वहां बहुत हुआ करता था। नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन कि कब किया, तो 81 में कुर्ग और कछार को किसने मिलाया, तो विलियम बेटिंग ने। कब मिलाया, तो 1831 में। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, और इन क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स करके। जी जी, क्वेश्चन टाइप के पढ़ते हैं बहुत बच्चे, और उनको लगता है कि इस टाइप के पढ़ेंगे तो मेरी तैयारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनको दिक्कतें आती है बहुत सारा। अब रही बात आपको कि इसी के समय में 1833 का अधिनियम आया। ये अधिनियम 1833 का क्या था भैया, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। क्या किया गया, भारत का गवर्नर। अब जैसे आप लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, वैसे ही इसके साथ हो गया। यानी कि इसको अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेटिंग। ये देखिए अंतिम था चूंकि खत्म हो गया, और भारत का पहला गवर्नर जनरल क्या हो गया, देखिए मैंने यहां लिखा है आपको कि 1833 तक ही लिखा है, चूंकि 1828 से 1833 तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, और 1833 से लेकर 1835 तक वह भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो इस ढंग से कई बार इसको क्लिष्ट करके बीपीएससी आईएएस बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में पूछता है, और अब तो बिहार पुलिस में भी आ रहा है, एसएससी में भी आ रहा है। कोई बच्चा ये समझे कि हम छोटे लेवल की तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जो इस कोरोना ने बता दिया है कि कितना अच्छा है, सारे प्राइवेट की धुनाई हुई है, सारा इंडस्ट्री बंद हो गया था, सारे 1 से 5 लाख 10 लाख मंथली पैकेज वाले लोग जो है घर बैठ गए थे, और ये चौकीदार भी जो था उस समय रंग में आ गया था, एकदम वसूल रहा था, पिट रहा था, महीना के साथ साथ क्या क्या कर रहा था, समझे लूट खसोट मचा हुआ था। तो इस समझ में आ गया कि गवर्नमेंट इंप्लाई का कितना वैल्यू है, और नौजवान भी गार्जियन भी गवर्नमेंट इंप्लाई बनाने के लिए एकदम जी जान लगा दिया। यानी कोरोना ने साबित कर दिया कि प्राइवेट प्राइवेट होता है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट होता है, पद की वैल्यू ज्यादा है, और पद रहेगा तो पैसे तो पीछे जाएंगे, और आजकल वही काम लोग कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, इसलिए देखिएगा पीजी वाला लड़का भी पुलिस का फॉर्म भर रहा है, जबकि इंटर का भरना चाहिए, पीजी किया हुआ पुलिस के फॉर्म भर रहा है। अतः आप अगर चाहते हैं कि हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल लेवल कर लेंगे, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन सफलता मिलेगी कि नहीं, ये तो रिजल्ट ही बता रहा है, आजकल देख ही रहे हैं आप लोग, हंगामा कर रहा है लोग। तो एक एक पॉइंट को छांट छांट कर पढ़ना होगा। अब ये जब 1833 से 1835 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना, तब क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा यहाँ देखने की बात है, ठीक है। तो देखेंगे उसके समय में कुछ चेंजिंग आए। सबसे पहले उसने क्या किया परिवर्तन में, कि जो कोर्ट था, मोबाइल कोर्ट तो बात थी ही, लेकिन जो कोर्ट कचहरी की भाषा थी आपके फारसी, मुगलों की जो सबसे एक ये चीजें थी कि वे लोग अपने भाषाओं को जो है महत्व ज्यादा दे रहे थे, उस फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा को छोटे कोर्ट में जो जिला न्यायालय था इसमें स्थानीय भाषा को महत्व दिया, यानी कि तेलुगु में जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र में होगा,
इसी ढंग से जिला न्यायालय में सभी स्थानीय भाषा तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, डोगरी है, मैथिली है, कुचिपुड़ी है, असमी है, सभी जिला न्यायालय में लोकल भाषा को डाल दिया। यहाँ तक कि बिहार में मान लीजिए उत्तर बिहार है तो भोजपुरी आ गया। लेकिन यहीं पर अगर आपका हाई कोर्ट हुआ तो यहाँ पर दो भाषा, एक जो है आपका फारसी रहा तो दूसरी भाषा आपको फारसी रहा तो दूसरी भाषा उसने क्या किया, इंग्लिश को डाल दिया। और ठीक इसी ढंग से आपका सुप्रीम कोर्ट तो अभी बना नहीं था, ये तो 1935 में बना, लेकिन कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट जो था आपका उसके लिए भी भाषा को क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया। तो इस तरीके से अंग्रेजी भाषा के आ जाने से यहाँ भी इंग्लिश भी हो गया। तो इंग्लिश को आने से अंग्रेज जज भी समझने लगे थे कि किस तरीके का जस्टिस हो रहा है। पहले वो लोकल भाषाओं में जस्टिस होने से नहीं समझ पाते थे कि जस्टिस रियल हो रहे हैं कि जस्टिस अनरियल हो रहा है। ठीक इसी ढंग से उन्होंने एक और काम किया कि जो 1813 के अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा पर खर्च करने की बात थी ये नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। और उस मैकाले ने क्या किया था कि कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में साइंटिफिक एजुकेशन को इंडिया में दिया जाए। हालांकि हमारी वो बहुत ही मजाक भी उड़ाई थी कि भारत की जो ज्ञान है वो यूरोप यानी ब्रिटेन के एक लाइब्रेरी के एक अलमारी के एक दराज के बराबर है। इतना गंदा कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत के ज्ञान के बारे में उसको क्या पता था। लेकिन फिर भी अगर वो साइंटिफिक एजुकेशन की बात किया था मैकाले ने तो सही किया था और इसको विलियम बेंटिंक जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक इसी ढंग से इसके समय में अन्य भी कुछ घटनाएं घटी थी, जैसे सबसे ज्यादा उस समय में ठगी हो रहा था, अभी भी बड़े पैमाने पर ये काम अंजाम दिया जा रहा है। तो एक कर्नल श्रीमैन था, हमेशा पूछता है इस कर्नल श्रीमैन की अध्यक्षता में उसने क्या किया, ठगी प्रथा का अंत कर दिया, ठगी प्रथा का अंत कर दिया। और उसने ही राय दिया था कि प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो बाद में इसको मेटकॉफ के नाम से जाना गया, क्योंकि कार्यवाहक भारत का गवर्नर जनरल वो बना था। तो मेटकॉफ ने क्या किया था कि प्रेस मीडिया को स्वतंत्रता दिला दी थी, इसलिए प्रेस मीडिया का मुक्तिदाता भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये केवल शीर्षक हुआ। अभी शीर्षक से डिटेल जानने के लिए रेगुलर कक्षा में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे कैसे यूट्यूब पर इतना बेहतरीन किया जा सकता है कि टॉपिक को, या फेसबुक पर कैसे डाला जा सकता है। स्टडी पॉइंट रेगुलर क्लास प्रारंभ कर दिया है, ऐसे कभी भी बंद नहीं था। मैंने बार बार बताया कि सरकार बंद रखी थी, स्टडी पॉइंट बंद नहीं था और न होगा, ये जान लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मेंटेन करता है अपने आप को। तो आइए पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।